मैं बनाने जा रही हूँ दही बड़ा। दही बड़ा के लिए मैंने 200 ग्राम उड़द का दाल लिया है और इसे 6 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। अब इसे बारीक पीस मिक्सर में पीस लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं पीसना है, नहीं ज़्यादा सूखा, थोड़ा ढीला ही पीसना है। इसमें 2 चम्मच पानी डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे। बिल्कुल पेस्ट बनकर तैयार हो गया हुआ दही बड़ा का। ज़्यादा हमने पतला नहीं किया, ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। इसे निकाल लेंगे। दाल के साथ ये कच्चा नारियल है, इसे भी पीस लेंगे बारीक। तो छिलका हमने उतार लिया था, छिलका उतारने के बाद इसे बारीक पीस लिया है दाल के साथ। ये दही बड़ा इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, बनकर तैयार होता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है नारियल डालकर। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। और इसमें डाल लेंगे कटा हुआ किशमिश, और किशमिश डालने के बाद इसे अच्छी तरह से कूट लेंगे ताकि हमारे जो बड़े हैं वो बहुत हल्का बनकर तैयार हो। इस तरह से 2-3 मिनट इस तरह से कूटना है। देखिए 3 मिनट तक इसको हमने फेंका है इस तरह से ताकि बड़ा जो बनकर तैयार हो बिल्कुल हल्का बनकर तैयार होगा, अंदर में सख्त नहीं रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा सख्त रहता है, तो सख्त नहीं रहेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे बड़ा, इस तरह से डालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा दूरी पर डालेंगे। इसे डार्क ब्राउन होने तक तलना है, बस नहीं डालेंगे कि चिपकेगा नहीं आपस में एक दूसरे से। डार्क ब्राउन हो गया वहाँ, अब इसे हम निकाल लेंगे। इस तरह से छान कर हम निकाल लेंगे। इस तरह बाकी दही बड़े को भी हम डाल देंगे। एक बर्तन में हमने पानी लिया, ठंडा पानी है, और इसमें नमक डालेंगे। नमक डाल कर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए दही बड़ा हमने निकाल लिया है। इसे हम गर्म नहीं डालेंगे पानी में, गर्म डाल थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब डालेंगे। और ये देखिए बिल्कुल अंदर से हल्का है, ये देखिए बिल्कुल हल्का बनकर तैयार हुआ है। और इसे हम पानी में अब डाल देंगे, ठंडा हो चुका है। ये दही है, दही में हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर उसे मिला लेंगे। उसके बाद जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, मिर्ची पाउडर, और 1 टीस्पून चाट मसाला। सब डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। और नमक 1/2 टीस्पून नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए दही बड़ा जो है हमारा आधा घंटा हमने छोड़ दिया था, ये बिल्कुल फूल चुका है। अब इसे हम निकाल देंगे, इसे पानी में हल्का दबा कर निकाल देंगे और ये दही में अब डाल देंगे इस तरह से। उसके तब देंगे ऊपर से हल्का सा पानी से निचोड़ लेंगे और फिर दही में डाल देंगे। इस तरह से दही में डालते हुए चल जाएंगे।
इसमें डालेंगे काला सरसों और लाल मिर्ची और ये करी पत्ता। अच्छे से रोस्ट करने देना। इस पे डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और यहाँ पे डालेंगे ये करी, छौंक लगाएंगे इसको। ये दही बड़ा बनकर तैयार हो गया है और इसे देखते हैं कि सॉफ्ट बना है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल अंदर से स्पंज की तरह है।